वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज जो डेट है वो है 7 जनवरी 2021 और टाइम हो रहा है 9:45:22 सुबह के। और हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में दोस्तों हमने लॉन्ग करने की कोशिश करी है। जिस प्राइस पे लॉन्ग करने की कोशिश की है दोस्तों वो प्राइस है 501.50, 501 रुपये 50 पैसे। एंड जो SL लगाने की कोशिश की गई है यहाँ पे वो है 499.80, 499 रुपये 80 पैसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे रिस्क को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 501.50 माइनस 499.8, सो 1 रुपीज 70 पैसे का ही केवल हमारा यहाँ पे रिस्क है। अब बात करते हैं कि टारगेट क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा, वन डे चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें दोस्तों, तो प्राइस ने कुछ इस लेवल पे ओपनिंग करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का कैंडल बना हुआ है, दिस वन राइट, इसकी लोज को कभी भी किसी ने ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं किया है। ब्रेक तो हुआ है बट क्लोजिंग नहीं हुआ है नीचे, राइट। तो दूसरा, अगर टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो देखिएगा मेरे को ऐसा लगता है कि जो टारगेट होना चाहिए वो कुछ इसका हाई होना चाहिए, दिस वन 506 5010, राइट। तो जो मुझे दिख रहा है कि 508 इसका एक स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस निकल के आज हो सकता है इसका, राइट, स्ट्रांग रेजिस्टेंस। प्राइस इसके ऊपर मूव करेगा तो 510, राइट। तो लास्ट फाइनल टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 510 का, इसका हाई, राइट, इस कैंडल का हाई जो है हमारा फाइनल टारगेट होगा। चलिए अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन भी करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सेम टू सेम आता है तो वो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट होएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक लाइन को प्लॉट करता हूँ। ये लाइन है हमारा, राइट। अब अगर ये टारगेट मिलता है तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है? तो 510 माइनस 501.5 और डिवाइडेड बाई 1.7। सो दोस्तों हमारा रिस्क और रिवॉर्ड जो है 1:5 का होगा अगर 510 का हमारा टारगेट मिलता है तो, राइट। तो चलिए देखते हैं, वेट एंड वॉच, कि क्या ये हमारा टारगेट देता है या नहीं, राइट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 501.50 पे हमने अपने एंट्री को लगाया था, राइट, सेम प्राइस पे ही है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो अभी कि हमारा जो टारगेट है आप देखिए बहुत इजीली वे में अचीव कर दिया, जो कि हाई था, राइट। अब इस हाई पे आप एक चीज देखिए, मैं अभी निकला नहीं हूं दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस मोमेंटम हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे अपने SL को थोड़ा सा सेफ जोन पे लेके जाने की जरूरत है अभी, राइट। तो मैं डेफिनेटली यही करूंगा और मैं जहां भी निकलूंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगला टारगेट दोस्तों 5.5 का है, इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग करेगा, डेफिनेटली 5.0 पे मैं प्लॉट कर दूंगा। टारगेट अचीव हो चुका है हमारा, राइट। तो देखिए वहीं से रिजेक्शन भी कर रहा है, एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5.0 पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये बहुत तेजी से, और इसमें तेजी के संकेत तो देख ही रहे थे, राइट। तो 5.5 का जो हमारा इसके ऊपर का टारगेट था वो लगभग 5 पैसे से 45 पैसे से अभी टिका पड़ा है। और देखते हैं कि देखिए देखिए यहाँ पे 515 का भी टारगेट जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैं अपने SL को फटाफट से पहले ट्रेल कर लेता हूँ, राइट, ये बीच का कुछ रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टारगेट डन होते जा रहे हैं मेरे। यहाँ पे टारगेट डन हुआ, एग्जिट नहीं कर पाया, कारण ये कि मैं लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लॉट नहीं किया था। और अभी देखते हैं क्या होता है, मैं फटाफट से पहले 510 पे प्लॉट करता हूँ जिससे कि हमारा 1:5 का क्राइटेरिया फुलफिल रहे, राइट। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने SL को जो है 511 रुपये 20 पैसे पे प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को वहीं पे लेके जाता हूँ
और जैसे ही अगर इस लेवल, देखिएगा ये लो है इस कैंडल का, इस कैंडल के लो से मैंने लगभग 30 पैसे, राइट, हाँ 30 पैसे नीचे रखा हुआ है एसएल को, कि अगर इसको नीचे आना ही है तो इस लेवल को वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, राइट। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या, चूंकि ऑलरेडी हमारा 1:5 का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, फिर भी हम वेट करेंगे कि अगर ये यहां से और मोमेंट दिखाता है, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी मेरे साइड से, मेरे लिए से ये कहती है इसमें तेजी का संकेत मुझे दिख रहा है, तो एक जो रैली थी इसमें वो हमने यहाँ पे जो है अचीव कर लिया है, जो एक छोटी सी रैली थी उसको अचीव किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो अभी भी जब मैंने लगाया था वो मैंने आपको दिखा, और अभी भी देखिएगा जो लेवल वो चल रहा है अभी लोस को नहीं ब्रेक कर रहा है। पॉसिबिलिटी देखिए कुछ भी हो सकती है मार्केट का, कुछ भी, मार्केट से बड़ा स्पीड में कोई है नहीं है ऐसे, राइट। लेकिन एक बात को ध्यान रखना होगा, इस लेवल को ब्रेक करने के साथ, विच वन, दिस वन, इस लेवल को ब्रेक करने के साथ ही एक रिवर्सल पॉइंट भी मिल सकता है। देखिए आप चाहे वो विक खींच के ऊपर कर ले तो एक अलग सिनेरियो है, बट हमारा टारगेट डन है, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी डन है, राइट। इस लिहाज से जो है यहाँ पे हमने अपने एसएल को प्लॉट कर दिया है, और अभी देखिए होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं हिट हो चुका हूँ, राइट, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो मैं आपको अभी यहाँ पे फटाफट से बता देता हूँ। तो ये देखिएगा 501.50, और इसमें 499.8 का जो था हमारा एसएल था, तो 1.70 रुपीज का हमारा रिस्क था। अब 501.5 और 511 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा जो है 9.70 रुपीज का हमारा रिवॉर्ड है पर क्वांटिटी, और 1.7 से डिवाइड किया तो दोस्तों 1.5.7, 1:1:0.57 का हमारा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, राइट। और ये यहाँ से जैसा मैंने बोला आपको कि मुझे मुझे इसमें तेजी दिख रहा है, लेकिन हमारा टारगेट डाउन हो गया है, राइट। मैंने कैसे डिसाइड किया था टारगेट वो आपने भी देखा था इस वाले सिनारियो में, राइट। अलग अलग माध्यम है दोस्तों टारगेट डिसाइड करने के, ये एक बेसिक सा तरीका है जो कि मैंने एक बार आपको बताया था कि जिस लेवल से, जैसे अगर मान लीजिए आप निचले स्तर से ले रहे हो तो ये जो हाई है जहां से टर्निंग किया है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और आप उसको टारगेट के लिए सेट कर सकते हैं, राइट। ये एक बेसिक सा माध्यम है। वैसे ही एक दूसरा बेसिक जो मैंने आपको दिखाया वन डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें भी ये माइनर था, हमें मेजर को देखना था, माइनर था तो ही टूटने के आसार ज्यादा थे, राइट। अगर मेजर होता तो वो वहां से ऊपर नहीं जा पाता, जो 510 थे उसके ऊपर वो जा ही नहीं पाता, राइट। तो ये है दोस्तों आज के हमारे ट्रेड। होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, और बहुत इजीली वे में अचीव भी हो गया, आप देख सकते हैं, राइट, बहुत इजी वे में अचीव हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।